नमस्कार, मैं आरुषि सिंह और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। और हम इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी जंक्शन, या आम भाषा में कहें तो कैंट रेलवे स्टेशन। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे खड़ी है काशी महाकाल एक्सप्रेस, जो कि देश की तो तीसरी लेकिन वाराणसी से जाने वाली पहली कॉरपोरेट ट्रेन है। और ये ट्रेन की खास बात यह है कि ये तीन ज्योतिर्लिंगों, जो कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ, उज्जैन में श्री महाकालेश्वर और इंदौर के पास श्री ओंकारेश्वर को जोड़ेगी। इस ट्रेन में टोटल 12 बोगियां हैं और यह ट्रेन फुल्ली एसी ट्रेन है। इस ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्रियों का 10 लाख का बीमा होगा, जो कि किसी भी आपात स्थिति में वो उस बीमे का लाभ उठा सकते हैं। और तो और ट्रेन में आपको शुद्ध शाकाहारी खाना मिलेगा, जैसे कि और वो भी खाने मिलेंगे जो कि उस जगह के बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे बनारस की कचौड़ी तो इंदौर के पोहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी डिजिटल इंडिया को इतने अच्छे तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं कि वो किसी कारणवश यहाँ स्वयं नहीं आ सके तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और ये ट्रेन 20 तारीख से नियमित रूप से चलने लगेगी, लेकिन IRCTC की वेबसाइट पे और स्टेशन पे आप अभी से ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं। जैसा कि हम इस वक्त मौजूद हैं काशी महाकाल एक्सप्रेस के अंदर, और कॉरपोरेट ट्रेन है तो हाँ, ये लग भी रही है कि ये कॉरपोरेट ट्रेन है। यहाँ पे हमें हर बर्थ के साथ पर्सनलाइज्ड हमें एक चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है, और हर बर्थ का एक अपना ही CCTV कैमरा है, जैसे कि हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। हर एक पर्सनलाइज CCTV कैमरा है। आपके यहाँ पे सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जा रहा है, LED लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं और स्मोक अलार्म भी है, तो तुरंत यहाँ पे जितने कर्मचारी हैं उनको पता चल जाएगा स्मोक अलार्म से, और आपकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। और जैसा कि ट्रेन में अनाउंसमेंट भी हम सुन सकते हैं कि यह सप्ताह में 2 दिन लखनऊ होके चलेगी और 1 दिन इलाहाबाद होके चलेगी, तो रूट्स इसके 2 हैं जो चेंज होते रहेंगे। इतनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर एक बार वॉशरूम में जाने का दिल करे तो 100 बार सोचना पड़ता है कि जाए कि ना जाए। तो आइए, यहाँ के वॉशरूम में क्या अलग है, क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रेन है, थर्ड कॉर्पोरेट ट्रेन, कुछ तो अलग होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ट्रेन है पूरे इंडिया में जिसमें बेबी स्टैंड है, तो जिन महिलाओं के पास बच्चे होते हैं उनके साथ कोई नहीं होता है तो वो बच्चे को कहाँ छोड़ें, तो वो अपने बेबीज को ला सकती हैं और इस बेबी स्टैंड में उनको टाई अप करके बेल्ट से वो आराम से वॉशरूम का यूज़ कर सकती हैं। वो सिर्फ बर्थ में ही स्लीपिंग बर्थ हो, हर जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी ट्रेन में हर जगह CCTV कैमरा है, तो गार्ड्स हो ना हो आपकी सुरक्षा का इतना ज़्यादा ध्यान तो हमें नहीं लगता कोई और ट्रेन आपको बस्तर पाएगा। हमसे बेहतर IRCTC के कर्मचारी आपको बताएंगे इस ट्रेन के बारे में, वो जो कि हाउस कीपिंग का काम करने वाले ट्रेन में, तो आइए उन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र अहरवार है जी। तो सर, ये क्या चीज़ है? बाकी तो हमको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये वॉशरूम हो गए, ये बर्थ है, ये अलमारी है, ये अलमारी किस चीज़ की, किस काम की है? अलमारी इस काम की, जो अटेंडर रहते हैं ना, जो यहाँ बेड वगैरह रखते हैं, तकिया क्रूस की बेड सीट वगैरह। धन्यवाद सर। तो ये अलमारी आप देख सकते हैं, जितने पिलोज, ब्लैंकेट्स वगैरह वगैरह, या जो गार्ड्स होते हैं उनके भी अपने कुछ सामान होते हैं, तो वो यहाँ पे उनको रख सकते हैं।